नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ मिथुन लगन व मकर राशि के लिए वर्ष 2024 का राशिफल। जो मेरे नए दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि मैं लगन व राशि दोनों से वीडियो डालती हूँ और आज मेरा कम्बिनेशन मिथुन लगन व मकर राशि है। सबसे पहले हम देखें कि मिथुन लगन व मकर राशि का क्या अर्थ है। यह आपकी लगन कुंडली है, पहले भाव में 3 नंबर लिखा है, इसका अर्थ है आपका मिथुन लगन है। चंद्रमा अष्टम में 10 नंबर में बैठा है, इसका अर्थ है आपकी मकर राशि। यानी आपका कम्बिनेशन अगर मिथुन लगन व मकर राशि का बनता है तो आप वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले हम देखें कि 4 बड़े ग्रहों की क्या पोजीशन है मिथुन लगन व मकर राशि पर। केतु चल रहे हैं 4थे भाव में, शनि महाराज हैं भाग्य भाव में स्वराशि के, भाग्य स्वराशि का है। राहु का गोचर इस समय दशम में चल रहा है और गुरु जो है लाभ भाव में गोचर करेंगे वर्ष के आरंभ में, और मई 2024 के बाद वो चले जाएंगे द्वादश में, जहां जाकर थोड़े से नेगेटिव हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो वक्री होंगे वो फिर पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेंगे। मकर राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, शनि महाराज कुटुंब भाव में चल रहे हैं, राहु 3रे हैं जो पॉजिटिव हैं, देवगुरु बृहस्पति 4थे भाव में चल रहे हैं, और मई 2024 के बाद देवगुरु बृहस्पति 5म में आ जाएंगे जहाँ से वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, और केतु जो है वो भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो मिथुन लगन और मकर राशि वो कम्बिनेशन है कि जिसमें हमें वर्ष भर मिलेगी गुरु की शुभता। अब वर्ष भर गुरु की शुभता कैसे मिलेगी? जब वर्ष का आरंभ होगा तो मिथुन लगन से गुरु लाभ भाव में होंगे जहां का शुभ फल देते हैं, और जैसे गुरु लाभ भाव मेष राशि को छोड़कर वृषभ में आएंगे वो मकर राशि से पॉजिटिव हो जाएंगे, पंचम में आ जाएंगे। तो पहले हमें मिथुन लगन से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे फिर मकर राशि से। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम मिथुन लगन व मकर राशि की बात करें कि वर्ष 2024 का शुभ समय कैसा है, तो 2 भागों में बटा हुआ है। पहला जनवरी से अप्रैल जो हमें मिथुन लगन से मिलेगा, और दूसरा मिलेगा मई से दिसंबर जो हमें मकर राशि से मिलेगा। यानी पूरे वर्ष पर आपके पास जॉब से रिलेटेड, आपको कैरियर से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं तो आपके पास पूरे वर्ष भर का समय है। अब मिथुन लगन में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि दशमेश चलेंगे लाभ भाव में वर्ष के आरंभ में, और जो दशम भाव और जो 4था भाव है राहु केतु कक्ष में है, दशम भाव में राहु का गोचर, राहु दिखा रहा है आपका दशम भाव राहु केतु कक्ष में आ गया, यानी काम में किसी प्रकार का बदलाव। अब काम में बदलाव का मतलब हो सकता है कि या तो वर्ष 2024 में आप अपनी वर्तमान नौकरी को बदलेंगे, काम में बदलाव का संकेत आ रहा है। उसमें पहला संकेत ये हो सकता है कि अपनी वर्तमान जॉब को बदलें, आपको बेहतर जॉब मिल जाए, या वर्तमान जॉब में आपका प्रमोशन हो जाए, या अगर आप ऐसे ऑफिस में काम करते हैं अगर सरकारी नौकरी में है तो आपके ट्रांसफर की संभावना बनती है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप जहां पे रहते हैं आपको लगे कि नहीं यार मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, मैं दूसरी जगह चले जाऊं, तो आप जॉब के लिए किसी दूसरी सिटी में भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके काम में बदलाव का संकेत आ रहा है। दूसरा आप देखेंगे 4थे भाव में केतु का गोचर, आपके रहने की जगह में भी परिवर्तन आ रहा है। अब वो रहने की जगह में परिवर्तन या तो ट्रांसफर के कारण आप एक सिटी से दूसरी सिटी में चले जाए, जैसे वर्तमान में आप हैदराबाद में हैं तो आप ट्रांसफर होके भुवनेश्वर चले जाएं, इस तरीके से आपका ट्रांसफर हो जाए, तो आपका स्थान परिवर्तन का भी समय आ रहा है, और ये भी आ रहा है कि आप अपनी विदेश यात्रा में भी जा सकते हैं। तो 2 महत्वपूर्ण संकेत हैं मिथुन लगन व मकर राशि से कि आपके कैरियर में परिवर्तन, कि आपका आपकी जॉब में कुछ ना कुछ बदलाव होगा। व्यापार करते हैं तो व्यापार में किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, किसी नई चीज की स्टार्टिंग कर सकते हैं, और आपके रहने की जगह में परिवर्तन और विदेश जाने के लिए भी समय अच्छा बना हुआ है। इस वर्ष आपके पास कई अवसर आएंगे धन लाभ के, क्योंकि देखिए धन के कारक गुरु खुद धन लाभ भाव में विराजमान रहेंगे मिथुन लगन से, और मकर राशि से वो आगे लाभ भाव को दिखेंगे। तो आपके पास कई अवसर आएंगे धन लाभ के इस वर्ष आपके लिए, यानी फाइनेंशियली ये वर्ष आपके लिए अच्छा जाने वाला है, और इस वर्ष आपके कई कामों की इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि दशमेश इच्छा पूर्ति के भाव में बैठा है। ऐसे कई रुके हुए काम जो काफी लंबे समय से रुके हुए थे वो आपके अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि देखिए जब एक गुरु बकरी हो जाएगा तो बकरी होने के बाद फिर आपको लाभ भाव का इफेक्ट देने लगेगा। तो आपको कुछ समय को छोड़ के मई से 8 अक्टूबर को छोड़ के बीच में 9 अक्टूबर से आपको फिर ये लाभ भाव के गुरु का रिजल्ट मिलने लगेगा। तो ये मिथुन लगन और मकर राशि के लिए वर्ष 2024 में गुरु का बहुत शुभ फल मिलने वाला है। साथ ही मई 2024 से जो गुरु जो 12वां जा रहा है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर बाई चांस आपकी कुंडली में मंगल की, गुरु की या शुक्र की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो इस वर्ष आप वर्ष 2024 में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। जो अपने विवाह के इंतजार में थे उनका विवाह तय हो सकता है,
और जो दंपति संतान प्लान करना चाहते थे उसके लिए भी समय काफी अच्छा बना हुआ है। तो ओवरऑल वर्ष आपके लिए काफी अच्छा संकेत दे रहा है। अब हमें इस वर्ष में सावधानी क्या रखनी है? पहली बात जो है, मई 2024 से आपके सप्तमेश गुरु जो है वो द्वादश में चले जाएंगे। तो दाम्पत्य जीवन को सावधानी, विशेषकर मई से लेकर सितंबर तक, जब तक देव गुरु बृहस्पति वक्री नहीं होते, वो मई से लेकर 30 सितंबर यानी 8 अक्टूबर तक जो है वो मार्गी रहेंगे। उसके बाद 9 अक्टूबर से वक्री हो जाएंगे। तो मई से सितंबर तक एक तो दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार के तनाव की संभावना बनती है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी। अगर दाम्पत्य जीवन में ऐसी कोई स्थिति आती है तो आप एक तो माता जी का सिद्ध कुंचिका स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, या अगर पाठ ना कर सके तो मोबाइल पे सुन लें। और जो महिलाएं जो हैं मिथुन लगन व मकर राशि की जातिका हैं, वो हर शनिवार को चमेली के तेल का दीपक जलाकर सुंदरकांड का पाठ भी कर सकती हैं, उससे भी दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है, घर के वास्तु दोष भी दूर होते हैं। और आप ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी भी गुरुवार को या शुक्रवार को किसी सुहागन स्त्री को कुछ सुहाग सामग्री भी दे सकती हैं, लाल रंग की साड़ी वगैरह, उससे भी आपको उसका भी उपाय आपको अच्छा रहेगा। आप इस उपाय को 3 गुरुवार या 3 शुक्रवार दोहरा सकती हैं। तो ये है दाम्पत्य जीवन का। मिथुन लगन से केतु आ रहे हैं, आपके चौथे भाव में केतु है और यहाँ से गुरु प्रॉपर्टी खरीदने का बता रहे हैं। तो प्रॉपर्टी खरीदते समय ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर्टी लेते समय जल्दबाजी मत करिएगा, कागज वगैरह पूरा देख लीजिएगा। कई बार क्या होता है कि हम प्रॉपर्टी सस्ती खरीदने के चक्कर में बिना कागज पूरे देखे और पैसा लगा देते हैं। तो प्रॉपर्टी में किसी प्रकार के विवाद का संकेत है। साथ ही केतु जो है माता के लगन पे बैठे हैं और राहु सप्तम में है। माता के स्वास्थ्य को लेकर इस वर्ष चिंता कि माता के स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है। इस वर्ष आपकी इनकम तो होगी लेकिन खर्चे आपके इस वर्ष खूब होने हैं, तो आप खर्चों पे थोड़ी सी अंकुश लगाने की कोशिश कीजिएगा। और साथ ही ध्यान रखिए मकर राशि पर शनि की साढ़े साथी चल रही है। आप चाहते हैं कि वर्ष 2024 आपका अच्छा जाए तो साढ़े साथी का कोई ना कोई उपाय करिए। पहला उपाय तो ये कर सकते हैं, आप हर शनि मंदिर जाइए, हर शनिवार को वहां अपना छायादान करिए। एक स्टील की कटोरी लीजिए, उसमें तेल डालिए, अपनी छाया देखिए, 1 रुपए का सिक्का डाल लीजिए और उसको मूर्ति पे चढ़ा दीजिए। शनि से जुड़ी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, उड़द की दाल, तेल, काला कपड़ा, इस तरीके से। और अगर आपको कैरियर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है कि आप कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ नया व्यापार करना चाहते हैं या अपनी जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, कुछ रुकावट आ रही है, तो आप हनुमान जी को चोला भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं उससे भी शनि महाराज पसंद होंगे। आप चोला आप 8 मंगलवार चढ़ा सकते हैं या 8 शनिवार चढ़ा सकते हैं, जो दिन आपको उपयुक्त लगता है। पुजारी से बात कर लीजिए, मंदिर में आप 5 मोती चूर के लड्डू जिसमें चांदी का बरक लगा हो और पान का बीड़ा, सिंदूर और चमेली का तेल लेके जाइए। पुजारी से बात कर लीजिए, जब आप चोला चढ़ जाए तो उसका उस सिंदूर को माथे पे लगाइए और सिंदूर को कागज पे भी रख के लाइए घर पे और अपने घर के परिवार के सभी सदस्यों के लगाइए। तो इस तरीके से मेरा यह मानना है कि अगर आप मिथुन लगन व मकर राशि के जातक करें, अगर आप साढ़े साथी का कुछ ना कुछ रेमेडी करते रहेंगे तो वर्ष निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा जाएगा। तो मेरा यह मानना है कि मिथुन लगन और मकर राशि के लिए वर्ष 2024 65% तक बढ़िया जाने वाला है। 65% एक बहुत अच्छी परसेंटेज है जो इस बात का संकेत दे रही है कि मिथुन लगन व मकर राशि के लिए बहुत शानदार गोचर आया है। और बाय चांस आपकी कुंडली में दशाएं बहुत अच्छी हुई, जैसे बुध की, शुक्र की या शनि की दशा या अंतर्दशा चल रही होगी, यानी ऐसे ग्रहों की दशाएं चल रही होंगी जो आपके लगन के मित्र हैं, जो आपके लग्नेश बुध के मित्र हैं, तो ऐसी स्थिति में वर्ष निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। तो दर्शकों, मेरा वीडियो था कि मिथुन लगन व मकर राशि के लिए वर्ष 2024 65% तक बढ़िया जाने वाला है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सके। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।